तो आज दोस्तों हम लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं। ये है एचपी का जो है 2450G7, जो आप देख सकते हैं कि ये जो लैपटॉप है अनबॉक्स करने वाले। ये लैपटॉप किन लोगों के लिए, मैं पहले बता देता हूँ, जो ये जो लैपटॉप है ये उन लोगों के लिए जो घर में बैठे या फिर ऑफिस में, ऑफिस वर्ड, एक्सेल, थोड़ा बहुत कुछ एडिटिंग, थोड़ा हेवी टास्क या मल्टी टास्क करने के लिए। ये राइजन के साथ आता है, 4GB 1TB वेरियंट के साथ। तो लैपटॉप के साथ जो पहले आता है वो हमारा बैग होता है कुछ इस तरीके से। तो बैग को हम खोलेंगे, तो ये देखिए ये हमारा बैग जो सच में काफी क्यूट सा है, और ये पैरासूट का जो कपड़ा है ना उसके साथ आता है, अच्छा है, एकदम स्लिम है, लैपटॉप लेने के लिए एकदम परफेक्ट। तो बात करेंगे तो मेन बॉक्स की जो है हमारा लैपटॉप, तो इसे हम जल्दी से अनबॉक्स कर लेंगे, इसका अंदर क्या क्या होता है हम देखेंगे। तो पहले देखिए जो आपका जो मैनुअल गाइड होता है, तो इसको हम हटा लेंगे साइड में, और इस साइड में देखेंगे जो लैपटॉप का जो एडाप्टर है वो आता है। तो ये कुछ 65 वाट का एडाप्टर है, और पिन कनेक्टर की बात करें तो ऐसा पिन आपको, छोटा सा पिन आपको देखने को मिलता है इस साइड से भी, ठीक है। 65 वाट का चार्जर है एचपी का, और इसके साथ इसका पावर केबल भी आता है, देखिए चार्जर के साथ लगने वाला है पावर केबल इस तरीके से कुछ, देखिए इस तरह से कुछ लगने वाला है एडाप्टर के साथ। तो हम बात कर रहे थे कि मेन चीज के बारे में जो कि है हमारा लैपटॉप ऑब्वियसली। तो लैपटॉप का जो कवर है वो हम लोग हटा लेंगे, ये जो पॉलीथिन है ना दोस्त, ये पॉलीथिन बहुत ही क्या होता है, हाथ से फिसलने वाला पॉली होता है, तो आप संभाल के इसे खोलिएगा अगर आप नया लैपटॉप परचेस किया। तो लैपटॉप कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो हम देखिए ये जो हमारा की का डिस्प्ले हटा लेता है। तो ये Ryzen 3 के साथ आता है, 4GB 1TB वेरिएंट के साथ, तो काफी अच्छा लैपटॉप है। उसका जो साउंड क्वालिटी कैसा है, डिस्प्ले आपको HD मिलता है, फुल HD इस डिस्प्ले में नहीं मिलता है। और इस डिस्प्ले की बात करेंगे तो आप साइड से भी देख सकते हैं, केन पैनल के साथ आता है जो कि काफी अच्छा है। लैपटॉप के साथ आपको विंडोज 10 आप चाहे तो ले सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं ले सकते हो, वो जस्ट आपका जो प्राइस है उसके साथ थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। मैंने इसे विंडोज 10 के साथ लिया है, आप चाहे तो ना भी ले सकते हो, चाहे भी ले भी सकते हो, वो आपका मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है।